बताते हुए दोस्तों बहुत खुशी हो रही है कि एमपी की चेक पोस्ट में बॉर्डर जितनी भी थी ना सारी बंद हो गई भाई। आ गया मजा, अब आया जिंदगी का असली मजा। धन्यवाद, थैंक यू। बॉर्डर बंद हो गया भाई लोगों, बुढ़िया है उन्हों देख लो साहो, एमपी बॉर्डर बंद हो गया है। मेरे पीछे देख सकते भाई सारी बॉर्डर बंद हो चुके हैं भाई, और अभी का खुशी का ठिकाना नहीं है भाई मुंह पे। सुने नजारे देख कुदरत तेरी, कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं किया जा सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यार। नमस्कार, ट्रांसपोर्ट टीवी में आपका स्वागत है, मैं हूं असलम कुरैशी और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। दोस्तों ये पंक्तियां हम क्यों सुना रहे हैं, ये पंक्तियां हम उन लोगों की संघर्ष की कहानी बयान करने के लिए कर रहे हैं जिन्होंने आज एक ऐतिहासिक जीत हासिल की है। जी हाँ, ऐतिहासिक जीत ड्राइवरों की, ट्रांसपोर्टरों की, उन संगठनों की जो पिछले कई सालों से प्रयासरत हैं इस बात के लिए कि वो कुछ कर दिखाएं। क्या कर दिखाया है उन्होंने ये भी बताएंगे, लेकिन पहले ये कुछ वीडियो देखिए। ये सन्नाटा पसरी वीडियो हैं, इनको देखकर आपको लगेगा कि भाई ये सन्नाटे वाली वीडियो क्यों दिखाई जा रही है, लेकिन इस सन्नाटे के पीछे कुछ राज छुपे हुए हैं। क्या राज है वो भी बताएंगे, लेकिन पहले देखिए ये वीडियो। मध्य प्रदेश का बॉर्डर बंद, सीधी लाइन चालू हो गई है, बिल्कुल सुनसान पड़ा है। 1 जुलाई 2024, ये देखिए आटे की लाइन पर कोई नहीं, लाइन बिल्कुल सुनसान। अब आइंदा से ध्यान रखना, कभी भी चाय पानी के नाम से 1 रुपये भी ना देना इसको। आप थोड़े थोड़े पैसे देने के बावजूद फिर बाद में बहुत लंबा चालू कर देते हैं, ड्राइवरों से 1 रुपया। सभी ट्रांसपोर्टर भाइयों को और ड्राइवर भाइयों को हमारा नमस्कार। आज की जो हम वीडियो बना रहे हैं वो सूचना के ऊपर है, एमपी बॉर्डर की सूचना के ऊपर। सूचना क्या है उसके बारे में बात करते हैं। सूचना यह है कि आज से 1 जुलाई 2024 से एमपी बॉर्डर्स को सरकार द्वारा बंद किया गया है, सारे की सारे एमपी बॉर्डर्स बंद हैं। मैं जो इस टाइम लाइव आपके पास में खड़ा हुआ हूं और वीडियो बना रहा हूं, ये मालतौन बॉर्डर की है। आप सभी देख सकते हैं कांटे सारे बंद हैं, आरटीओ ऑफिस बंद है और एक भी गाड़ी बॉर्डर पर नहीं है, क्योंकि सरकार ने 1 जुलाई 2024 यानी आज के दिन से सभी बॉर्डरों को बंद कर दिया है। मैं दिल्ली NCR एकता मंच की ओर से आप सभी को ये जानकारी दे रहा हूँ और आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि सभी ट्रांसपोर्टरों को और ड्राइवर भाइयों को ये जानकारी दें कि 1 जुलाई 2024 से सरकार ने सभी एमपी बॉर्डर्स को बंद कर दिया है। धन्यवाद। आ गया मज़ा, अब आया जिंदगी का असली मज़ा। क्या बात है, ये बिल्कुल बंद कर दिया जी। ये देखो सनसान सन्नाटा, इसको कहते हैं ड्राइविंग करना, अब मजा आएगा गाड़ी चलाने में। ये देखो अब आएगा जी मजा। मैं तो ये देखो खाली खाली सड़कों खाली पड़ा, देखो खाली पड़ा सब कुछ, जमीनों का बहुत बुरा हाल कर रखा था इन लोगों ने, कुत्ते के बीचों ने बहुत जीना आराम कर दिया था। ये देखो बांध, ये नए टपरी लगने लग गई यहाँ पे बार वाली साइड में। ये देखो क्या बात है, मजा आ गया भाई मजा आ गया। ये देखो ये देखो ये देखो खाली पड़ा सालों का खाली, अब आया मजा। ये देखो खालिस्तान खालिस्तान, मजा आ गया। अब बस ये राजस्थान वाले जो रांधगढ़ से साला राजस्थान के जो तंग करते हैं, ये देखो बैरिकेड लगा खोद दिया पूरा। ये राजस्थान में एंट्री होगी, बॉर्डर बंद हो गया भाई लोगो, बढ़िया है उनो देख लो साहो, ताला लाग गया है, ताला लाग गया गाड़ा से टोपो टोप से भाईयो, देखो बॉर्डर बंद हो गया है, ताला लागुड़ा पड़िया भाई।
है इस लैंड ला गया है जगह 4 बजे है ना 8 बजे निकले 3-3 घंटा निकले है गाड़ा जावे टोपो ही टोप साहो ओ निकलियो गाड़ो जिया पिटो तो घूमती साहो जाबुआ बॉर्डर है साहो MP बॉर्डर बंद हो गया है। जी हाँ दोस्तों, देख लिया आपने ये सन्नाटा पसरा हुआ है। कुछ हद तक आप अंदाजा लगाइए, तब तक गेस कीजिए, आखिर में बताएंगे आपको कि क्या वजह है। लेकिन इस सन्नाटे के बाद यहाँ डरने की जरूरत नहीं, अक्सर करके सन्नाटा देख कर डर लगता है, भय लगता है, लेकिन ड्राइवर लोग अब खुश हो रहे हैं। जी हाँ, ये सन्नाटा जो पसरा है वो उनकी मेहनत का नतीजा है, कुछ संगठनों के प्रयास का फल है। जी हाँ, ये MP का बॉर्डर है, बंद हो चुके बॉर्डर, सन्नाटा पसर चुके बॉर्डर, यहाँ से कर्मी गायब है। वो कर्मी जो चाय पानी के लिए आपको रोक लिया करते थे, अब उन्हें चाय पानी का 1 रुपया भी नहीं देना है। कुछ ऐसा ही कहना है इस ड्राइवर का, जरा देखिए क्या कहना चाहते हैं आपसे। अब आइंदा से ध्यान रखना, कभी भी चाय पानी के नाम से 1 रुपया भी ना देना सर। आप थोड़े थोड़े पैसे देने के बावजूद फिर बाद में बहुत लंबा चालू कर देते हैं। आप ड्राइवरों से निवेदन है कि 1 रुपया भी ना दें। सुन लिया आपने इन्हें, इनका कहना है कि ये बहुत मेहनत से ये ऐतिहासिक जीत मिली है ड्राइवरों को, ट्रांसपोर्टरों को और इस व्यवसाय से जुड़े लोगों को। अब बिगड़ने नहीं देना है किसी को, 1 रुपया भी आपने नहीं देना है चाय पानी के नाम पर, क्योंकि उसके बाद इनकी आदत पड़ जाती है और ये फिर आपसे रेट तय करके उसके पैसे लेते हैं और उसके लिए लड़ते हैं। इसीलिए कोई भी ऐसी चीज जिसकी लत लग जाए वो नहीं होने देना है। और इस बात के लिए, इस सन्नाटे के लिए एक भाई तो गीत ही गाने लग गए। जरा सुनिए उनका ये गीत, खुशनुमा अंदाज में क्या गुनगुना रहे हैं इन बॉर्डरों को देखकर। ये गलियां सुने नजारे, सुनी है गलियां सुने नजारे, देख कुदरत तेरी, सुनी है गलियां सुने है नजारे। वाह प्यारे, कमाल कर दिया। जी हाँ, क्या खुशी यहाँ पर आ रही है सामने। एक एक व्यक्ति, एक एक ड्राइवर जो यहाँ से गुजर रहा है वो वीडियो बनाकर हम तक भेज रहा है। बहुत वीडियो, तमाम वीडियो हमारे पास ऐसी ही खुशी वाली आई हैं, चाहे वो सुबह के समय है हो, चाहे दिन के समय यहाँ से गुजरते हो। 1 जुलाई 2024 से MP के सभी बॉर्डर बंद कर दिए गए हैं। तमाम बॉर्डरों से इस तरह की खबरें आ रही हैं, चाहे वो सेंधवा बॉर्डर हो, चाहे वो मालथौन बॉर्डर हो, यहाँ से वीडियो बना बना कर हम तक लोग पहुँचा रहे हैं कि यहाँ सन्नाटा पसर चुका है, कोई चाय पानी मांगने वाला नहीं है, उसके पीछे लड़ने वाला नहीं है। जी हाँ दोस्तों, अब जरा इनको देखिए, जिनकी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं है। इनके चेहरे की मुस्कुराहट और हंसी आपको बताएगी, अंदाजा लगाइएगा कि इनके साथ यहाँ क्या क्या हुआ होगा, किस तरह के शोषण इन बॉर्डरों पर होते रहे, किस तरह वो अपने आप को शोषित महसूस करते रहे, वो इनकी इस खुशी से पता लगेगा। एक तरह से इनके लिए ऐसे हो गया जैसे कोई आजादी हासिल हुई हो, ठीक उसी तरह जैसे अभी हाल ही में वर्ल्ड कप जीत के भारत आया है, संघर्षशील रहा पिछले 13 सालों से एक कप हासिल करने के लिए, उसी तरह ये भी इन बॉर्डरों को बंद करवाने के लिए प्रयासरत थे और आज जीत इनके कदम चूम रहे हैं। जरा देखिए इनकी खुशी। मुझे इस बात को बताते हुए दोस्तों बहुत खुशी हो रही है कि MP के चेक पॉइंट पे बॉर्डर जितनी भी थी ना सारी बंद हो गई भाई। जो भी जाम लगता था, जितनी भी दिक्कतें परेशानी आती थी और करप्शन होता था भाई, एंट्री देना पड़ता था, सब कुछ बंद हो चुका है, कुछ नहीं लगने वाला है। बहुत खुशी हो रही भाई, और ये वीडियो देख के ट्रक ड्राइवरों को और भी बहुत से भाइयों को बहुत खुशी होगी भाई कि बॉर्डर सब बंद हो चुकी है और गाड़ी हम सीधी लेके जा रहे हैं। आप लोगों को बताते हैं, वीडियो में बने रहिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें दोस्तों, ताकि हर एक भाइयों को पता चले। व्हाट्सएप ग्रुप में सब दूर इस वीडियो को दबा के शेयर कर दो भाई, ताकि हर एक भाई को पता चल जाए कि MP की चेक पोस्ट बॉर्डर, ITO बॉर्डर सारी बंद हो चुकी है। मैं बताता हूँ, आप लोगों को बने रहिए वीडियो में। गाइस, जिस खुशी का इंतजार था बेसब्री से भाई, वो खुशी आ गई है। MP चेक पोस्ट सारी बंद हो चुकी भाई, देख सकते हो, मैं दिखाता हूँ आपको। चलो ये देखो भाई, सेंधवा MP बॉर्डर बंद हो गया है। गाड़ी वाले का मुंह पे हंसी का ठिकाना नहीं रहेगा भाई, देख रहे हो, आज से बॉर्डर बिल्कुल बंद। सुनसान MP के सारे बॉर्डर बंद हो गए भाई। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, शेयर करो भाई। देखो ये कांटे बंद हो गए हैं, बॉर्डर बंद हो गई, इधर भी देख सकते हो। नहीं भाई, बस बढ़िया, यही
यही होना था, बंद हो गई। इनको बिना दो वाटर वाले को माला बिना दो। मेरे पीछे देख सकते भाई, सारी बॉर्डर बंद हो चुकी है भाई। और हंसी का खुशी का ठिकाना नहीं है भाई मुंह पे। सारे ट्रक वालों को बहुत खुशी होगी भाई, क्योंकि एमपी की जितनी भी बॉर्डर थी ना भाई, इतनी परेशान होते थे, इतना जाम लगता था। आज से सारी बॉर्डर बंद हो चुकी भाई, देख सकते उधर भी खाली खाली है, और इस साइड में भी देख सकते भाई पूरा खाली खाली बॉर्डर है, बिल्कुल बंद हो गया है। देखो गाड़ी वाले कितने खुश हो रहे भाई, और हमारे भी मुंह पे खुशी का ठिकाना नहीं रह रहा भाई। आप लोगों को बताने में मुझे बहुत खुशी हो रही भाई कि बॉर्डर बंद हो गई। इतने परेशान होते थे इस बॉर्डर पे यार, सेलवा वाली बॉर्डर क्या, जितनी भी बॉर्डर थी बहुत ज्यादा जाम लगता था, देख सकते हो। और इनकी खुशी का ठिकाना क्यों नहीं है ये भी आपको बताते हैं। 30/6/2024 को मंत्रालय की तरफ से एक पत्र जारी हुआ, जिसमें सिर्फ एक लाइन में ये लिखा गया कि सभी बॉर्डर जो एमपी में हैं वो बंद हो जाएं, आदेश दे दिया गया। जी हां, ये क्यों किया गया, किस तरह से ये सफल हुआ, ये भी आपको बताते हैं, इसके पीछे की कहानी क्या है। दरअसल पिछले कई सालों से सभी ड्राइवर मार खाते रहे, लेकिन यहां से वीडियो भेजते रहे, अपनी कहानी बयान करते रहे, आवाज उठाते रहे कि यहां पर शोषण होता है, अवैध वसूली चलती है। उनके इन प्रयास को हम सलाम करते हैं, क्योंकि वो झुके नहीं, रुके नहीं, और उनके प्रयास का ही कहीं ना कहीं ये नतीजा है। और उनकी इस आवाज को आगे बढ़ाने में हमने आपका सहारा दिया, तो सबसे आगे रहे AIMTC। जी हाँ, ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस, उन्होंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। इधर से आपने आवाज उठाई, आपने वीडियो बनाई, वीडियो भेजी, हो हल्ला किया, तो उन्होंने मंत्रालय के साथ मीटिंगें की, कई मीटिंगों का दौर चला। पिछली फरवरी में भी उन्होंने मीटिंग की थी, जहां पर उन्हें आश्वासन दिलाया गया था कि अब ये चुनाव हो जाने दीजिए, ये जून में बंद हो जाएंगे। और 25 जून को एक आदेश पारित हुआ कि अब इन चेक पोस्टों और बॉर्डरों से कोई भी निजी व्यक्ति या जो निजी गुंडे खड़े होते थे, जिन्हें हम आप निजी गुंडे कहते हैं और क्यों कहते हैं वो आप भली भांति जानते हैं, उनको वहां से पूर्ण रूप से बंद करने के आदेश आए। लेकिन इससे संतुष्टि नहीं हुई AIMTC की, तो उन्होंने फिर से एक ज्ञापन पत्र निकाला और उसमें लिख दिया साफ साफ दो टूक कि 9 जुलाई से पहले अगर ये चेक पोस्ट बंद नहीं हुए, क्योंकि अब हम और इंतजार करने वाले नहीं हैं, अब हम और लॉलीपॉप और गोलियां आपकी खाने वाले नहीं हैं, तो 9 जुलाई से पहले ये बंद होने चाहिए, नहीं तो चक्का जाम होगा, माल ढुलाई बंद हो जाएगी। इस तरह का अल्टीमेटम इस ज्ञापन के जरिए दिया गया, और उसके बाद ठीक 2 दिन बाद 30 जून को ये आदेश पारित कर दिया गया कि ये सभी चेक पोस्ट और बॉर्डर बंद होने चाहिए। और उस प्रयास का नतीजा है कि 1 जुलाई 2024 को आज सब खुशी मना रहे हैं और अपनी खुशियां हमसे साझा कर रहे हैं। और क्या क्या हुआ आपको बताएंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले जान लीजिए, ट्रांसपोर्ट टीवी आपके लिए लाया है, ट्रांसपोर्ट मॉल से बीमा करवाने पर 5 लाख का एक्सीडेंटल बीमा फ्री। ज्यादा जानकारी के लिए अभी व्हाट्सएप करें 90831 90831 पर। दोस्तों इस तरह की खुशियां आप देख रहे हैं, ये ऐतिहासिक क्षण आप देख रहे हैं, AIMTC के बल मलकीत ने भी इसे ऐतिहासिक क्षण कहा है। यही नहीं, कुछ ट्रांसपोर्टर इसे कह रहे हैं देर आए दुरुस्त आए। जी हाँ, देर आए दुरुस्त आए कहकर तरह तरह की शुभकामनाएं ग्रुपों में भेजी जा रही हैं। उनके लिए ये ऐसा है जैसे उन्होंने कोई आजादी हासिल कर ली हो, और वाकई में जब कोई चीज इतने संघर्ष के बाद हासिल की जाती है, इतनी मारपीट इतने शोषण के बाद हासिल की जाती है, तो उसके नजारे या उसकी खुशियां कुछ अलग ही होती हैं। वो लोग ये खुशी महसूस नहीं कर पाएंगे जो आराम से ऐसी जगहों से निकल जाते हैं, लेकिन उन ड्राइवरों, उन ट्रांसपोर्टरों, उन गाड़ी मालिकों, उन व्यवसाय करने वालों से पूछिए जो इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं कि उनके लिए ये पल कैसा है, ये जीत कैसी है, वो आपको बताएंगे कि उन्होंने क्या हासिल कर लिया है। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे उन्होंने फ्रीडम फाइट की हो। दोस्तों तमाम वीडियो हम तक इस बात की पहुंच रही है, खुशी मनाते हुए पहुंच रही है। आप भी अगर यहां से गुजर रहे हैं, क्या माहौल है, किस तरह का माहौल है, जरूर बताइएगा। और हाँ, जब ये वीडियोस वायरल होने लगी, तरह तरह के कमेंट भी सामने आए हैं, उनमें से कुछ कमेंट भी हम आपको बताते हैं। एक कमेंट ये आया है कि ये तो चलो एक छोटी जीत हो गई। हालांकि ये छोटी जीत नहीं है, बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि सरकार से अपनी बात मनवा लेना किसी भी टेढ़ी खीर से कम नहीं है। अब इसके बाद
ट्रांसपोर्टरों या ड्राइवरों ने कह दिया है कि इसी तरह पूरे देश में ये चेक पोस्ट और बॉर्डर बंद होने चाहिए जो शोषण का अड्डा बन चुके हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ये चेक पोस्ट बंद हो जाएंगे तो फिर क्या होगा? भाई सरकार भी तो कुछ करेगी, राजस्व तो उन्हें लेना ही है, लेकिन इसके लिए एक पुख्ता कदम उठाने जा रही है सरकार भी। जी हाँ, अब मध्य प्रदेश सरकार भी गुजरात सरकार की तरह से इस तरह का पैटर्न लाने जा रही है, कुछ चेक पोस्ट या कुछ चौकियां बनाने जा रही हैं। लगभग 45 इस तरह की चौकियां बनेंगी जहां सब कुछ ऑनलाइन होगा, होमगार्ड तैनात होंगे, तरह तरह के काम चलेंगे, कंप्यूटराइज होगा सारा सिस्टम, और इसी तरह पूरे देश में होना भी चाहिए। वाकई में ये बहुत बड़ी जीत, ऐतिहासिक जीत है और खुशी का पल है। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक और ट्विटर पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए धन्यवाद। ट्रक हो या बस, टैक्सी हो या ऑटो, छोटा हाथी हो या पिकअप, इन सब का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से। बस गाड़ी की आरसी और पुरानी बीमा कॉपी 90831 90831 पर व्हाट्सएप कर दें तो गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से।